वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो पहले आप सभी सुहागिन बहनों को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ बहुत बहुत बधाई सब। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग यहाँ से। तो फ्रेंड्स, अब मैंने नहाकर अभी बस पूरा घर का काम किया है और उसके बाद में मैंने आज पहनी है ये रेड कलर की साड़ी। तो प्लीज़ बताइएगा कैसी लग रही है मेरी साड़ी। और अभी तो मैंने बस ये हल्की सी पहनी है, लेकिन रात को पूजा के टाइम दूसरी पहननी है। तो जैसे सभी पहनते हैं, अभी नहाने के बाद में सब बस थोड़ा सा मेकअप किया है हल्का फुल्का सा, और अभी मुझे जाना है मेहंदी को लेने के लिए। और ये मैंने नेल पेंट भी लगा लिया है मेहंदी मेरी, ये मेहंदी। और आज मैंने बहुत सारी चूड़ियाँ पहनी है गोल्डन कलर की और नेल पेंट वगैरह महावर भी मैंने लगा लिया, आलता जो बोलते हैं इसको पैरों में। और क्या करना है मुझे, अभी मुझे जाना है थोड़ा सा सामान रह गया मेरा। कहते हैं ना कि जब तक कुछ प्रोग्राम हो घर में या फिर कोई त्यौहार हो तो थोड़ा सा सामान रह गया वही मेरा कि आज मेरा भी थोड़ा सा अभी है थोड़ा सा काम, बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, नहीं भी जाऊँगी तब भी काम चल जाएगा, कोई बात नहीं है। पूजा का नहीं है, पूजा का तो मेरा सारा सामान आ गया, पूजा का सब काम हो चुका है। और टाइम हो रहा है 12:05 हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर के बाद मैं जाऊँगी मयूरी को स्कूल से लेने के लिए। और मयूरी ने भी कल मेहंदी लगाई थी, कह रही थी मम्मी मैं भी लगाऊंगी आपके साथ मेहंदी। तो मैंने उसको थोड़ी सी मेहंदी लगा दी, उसके हाथ पे मेहंदी लगाई थी। मुझे मेहंदी खुद इस बार ऐसा हुआ है कि मेरी मेहंदी इतनी बेकार लगी है, अच्छी नहीं लग रही डिज़ाइन बिल्कुल भी इसका, क्योंकि मैंने खुद से लगाई थी ये वाली। ये तो थोड़ी ठीक है, ये एक लड़की से लगवाई थी पड़ोस में है, और जो मैंने खुद लगाई है ये अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, मुझे लगानी नहीं आती मेहंदी। जो मेरी मेहंदी लगाने आती थी मेरे हस्बैंड के स्टूडेंट, बहुत पुरानी स्टूडेंट, तो वो कहीं गई हुई है, उसके यहाँ कोई ट्रेजडी हो गई है उनके रिलेशन में, तो इस वजह से हम वैसे हमेशा वही आती थी लगाने के लिए। गंगोत्री बहुत ही अच्छी मेहंदी लगाती है वो, लेकिन इस बार बस आ नहीं पाई। तो चलो कोई नहीं, मेहंदी तो लग गई, कलर भी आ गया काफ़ी, मेहंदी तो लगानी, शगुन करना वो मैंने कर लिया। तो मुझे मेहंदी आती ही नहीं लगानी बिल्कुल भी, मैंने वैसी लगा ली जैसी आती थी मुझे, उल्टी सीधी वैसी लगा ली मैंने। तो अब मैं जाऊंगी मयूरी के लेने के लिए, और उसके बाद में आके थोड़ा सा दोपहर में कुछ क्या, हम लोग हमारे यहाँ पे तो बस दूध वगैरह पी लेते हैं, दूध मैं तो दोपहर में दूध पीती हूँ और कुछ नहीं, सारा दिन कुछ नहीं, केवल जब चाँद निकल आएगा पूजा करने के बाद में, जब चाँद निकल आता है तभी उसके बाद में खाना पीना होता है, पानी वगैरह पीते हैं। और बस अब आके मुझे मयूरी को लेके आऊँगी पहले, उसके बाद में मुझे घर का काम थोड़ा सा आराम करूँगी, और उसके बाद में मुझे फिर शाम हो जाएगी तो शाम का काम करना है बस। तो मिलते हैं थोड़ी देर के लिए।
सजना के लिए मैं तो सज गई रे सजना के लिए।